हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सीक्रेट व्लॉग्स बन रहे हैं मेरे डेली डेज में। तो आज है 12 अप्रैल और मेरा 8 वीक चालू है, और डॉक्टर की क्या रिपोर्ट रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी सही है और थोड़ी बताऊँगी, तब आपको पता ही चल जाएगी। और मेरा एक रूटीन हो गया है रोज़ नारियल पानी पीना, एंड मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। वैसे ही मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है, तो अनिका के भी टाइम पर ऑलमोस्ट एवरी डे मैं नारियल पानी पीती थी ऐसे ही, मतलब मुझे किसी ने बोला नहीं था, बट चलो हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है। तो ये पीऊँगी और इसे पीने का और खाने का मज़ा ना मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यही चीज़ है जो मुझे पूरे दिन में ना हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा वाली दे रही है। तो राज ने स्पेशली इसका सब्सक्रिप्शन ही लगा दिया है, तो एवरी डे मॉर्निंग सुबह 6 बजे ये नारियल पानी आ जाता है घर पर और मैं रोज़ पीती हूँ। एंड मेरे पास ये टूल है जिसकी मदद से मैं इसमें छेद करती हूँ। आज के नारियल में थोड़ी भी मलाई नहीं है और मीठा भी नहीं है, तो मज़ा नहीं आ रहा है। और पानी इतना ज़्यादा है कि मैं पी के तक गई पर ख़त्म नहीं हो रहा है, तो मज़ा खिरखिरा हो गया। मैं पूरा चम्मच वगैरह लेकर बैठी थी कि मलाई खुरूज के खाऊंगी, बट ऐसा हुआ ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से ना आदत पड़ गई है मलाई खाने की, पर अब मलाई नहीं है इसमें, तो पूरा मूड ऑफ जैसा हो गया। तो मैं बना रही हूँ भेल। बेबी भेल खाओगे? नहीं। खा लो। ये लड़की अभी आई पेंटिंग क्लास से, दूध अब नहीं खाऊंगी। नहीं, वो तो मैंने शेवपुरी के लिए वो किया है। मैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाऊंगी। आ, तुमको जो खाना है खाओ, मैं पिज़्ज़ा खा के रहूंगी। आज मैं 3 मील खाऊंगी, तो पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड और चॉकलेट केक। वाह 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 वाह, सब खा के रहूंगी। वाह हाँ। पहले जाओ खेल कर आ जाओ। ये अभी आई अपने पेंटिंग क्लास से, अभी बस भाग रही है अपने खेलने की एक्टिविटी के लिए। और आज तो बाहर इसको प्रॉमिस किया था लेकर जाएंगे इसीलिए, वरना ये लड़की 7:30, 8 बजे तक घर नहीं आती है। इसको हमको बुलाना पड़ता है, आओ 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 आओ, चलो बाय। पर अभी गर्मियों की छुट्टी आ गई, तो मैं चाहे 4 घंटा खेलूं। हाँ, बाकी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ। बेटा हाँ। बनानी थी, कुछ ज़्यादा ही बन गई। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट भेल, बट काम चल जाएगा। काम तो हो रहा है, पूरा पूरा फील आ रहा। जोरों जोरों से न्यूज़ देख रहे हैं। आज मैं फॉलिक एसिड लेना ही भूल गई, अभी उन्होंने ही पूछा मुझे कि तुमने आज दवाई खाई, तब मेरे याद आया कि नहीं, आज मैंने दवाई नहीं खाई है। तो वही शाम के 7:45 फॉलिक एसिड खा रही हूँ। फॉलिक एसिड का क्या है कि आपको खा लेना चाहिए, चाहे सुबह खा लो तो अच्छी बात है, भूल गए तो फिर कभी भी खा लो। तो मेरा इतना पैम्परिंग सेशन चल रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। 9 महीने तो मुझे पूरे मज़े आने वाले हैं फॉर श्योर। आज इतना ख्याल रख रहे हैं, अनिका इतना ध्यान रख रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब जाना है थोड़ा बाहर, जब से ये न्यूज़ जो हमारे घर में फैल गई है, मतलब हम तीनों में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से ना बाहर थोड़ा हमने जाना आना बंद कर दिया है, कम कर दिया। इस समय बाहर कोविड भी थोड़ा फैला हुआ है, और ना मैं थोड़ा सा स्टैमिना कम लेकर रहती हूँ, तो मतलब स्टैमिना ही नहीं हो पाता। अभी भी मेरी सांस हल्की फूल रही है, तो इसलिए मैं ही प्रीफर नहीं करती। पर अनिका जो है वो बोर हो जाती है, और उसकी समर वेकेशंस चल रही है, तो वो बोलती है कि मम्मी ज़्यादा नहीं पर 10-12 दिन में एक दिन तो लेकर चलो बाहर। तो मैंने कहा ठीक है, बगल में ही एक मॉल है, वहाँ पर उसको थोड़ा सा घुमा कर लाएंगे तो वो भी फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि बच्चा है यार, उसकी भी समर वेकेशन चल रही है, तो उसको भी दुखाना अच्छा नहीं लगता। वैसे राज को मैंने बोला आप जाकर आओ, दोनों जाकर आओ, पर इन दोनों को मेरे बिना भी नहीं जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी चलती हूँ, थोड़ा सा ही घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि वही मेरा स्टैमिना ही नहीं रहता है। यही मुझे इन दिनों प्रॉब्लम जो है
हो रही है, वरना मुझे ऐसा कोई वॉमिट या मॉर्निंग सिकनेस ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस मेरा स्टैमिना कम हो जाता है और मेरी सांस फूलने लगती है। तो डॉक्टर को तो मैंने बताया था, तो उन्होंने बोला ये नॉर्मल है, ये होता है। Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. अनिका को बाहर लेकर जाना था पर हेडेक की वजह से तो नहीं हो पाया। पता नहीं एकदम से हेडेक ही स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा वाला नहीं है पर थोड़ा सा है। पापा और पापा को हल्का सा जुकाम हो गया था। मैं घर पूरी ठीक बैठी, तो हमने ये सोचा कि चलो घर पर ही अनिका के लिए पिज्जा मंगवा लेते हैं, और मैं भी आज पिज्जा ही डिनर में खाने वाली हूँ। तो बॉक्सेस आ चुके हैं, चलो खाते हैं। अभी हेडेक थोड़ा सा ठीक है क्योंकि अनिका ने ना हल्का सा मसाज किया मेरा हेड का, तो नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। ओके गाइस, तो लंच डिनर जो भी बनाना हो अभी भी मैं ही बना रही हूँ, एंड मेरे ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है भगवान की कि मेरे पास इतनी एनर्जी है कि आई कैन कुक। कई बार मैंने बहुत से ऐसे केसेस में देखा है प्रेगनेंसी के कि वो कुक भी नहीं कर पाते, एंड हर एक प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। लकीली मेरी प्रेगनेंसी फर्स्ट वाली में भी मैं काफी एनर्जेटिक थी, पूरे 9 महीने मैंने काम किया है, मतलब टिल डिलीवरी डेट तक मैंने फर्स्ट वाले बेबी के टाइम मतलब अनिका के टाइम काम किया था, एंड अभी भी ऐसा ही मुझे लग रहा है होने वाला है, क्योंकि मुझे टचवुड कोई ऐसी मॉर्निंग सिकनेस वगैरह नहीं है। हाँ मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, विच इज टोटली नॉर्मल। डॉक्टर ऑल्सो सेड कि हाँ ऑफकोर्स तुम्हारे अंदर जो बेबी है उसके एक एक न्यूरॉन्स बनने के लिए इतनी सारी चीजें यूज हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है तुम्हारी, तो तुम्हारे पास तो ऑफकोर्स एनर्जी कम होगी। सो यहाँ पर चाहे कुकिंग हो या और कोई काम जो मैं अपने हिसाब से आसानी से कर सकती हूँ मैं करती हूँ, एंड ऑफकोर्स मेरे पास सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हाउस हेल्पर का भी है, और वो हमेशा से ही रहा है। जब मैं अनिका के भी टाइम पर प्रेगनेंट थी तभी भी मेरे पास 2 हाउस हेल्पर थी, क्योंकि एक तो हमारी पहले से थी पर एक ना राज ने एक्स्ट्रा लगा दी थी कि इन केस अगर जरूरत पड़ी तो, एंड क्या बताऊं 9 महीने तक एक ही की जरूरत पड़ी, दूसरी वाली तो पूरे 9 महीने एंजॉय ही करती रही। इस बार अभी मेरे पास 2 है, बट एक आती है सुबह झाड़ू पोछा बर्तन करके जाती है और विमला मेरे साथ पूरे दिन रहती है। सो कोई आ गया है सबसे पहले मैं दरवाजा खोल दूं। बाय द वे एक्टिव रहना इन योर प्रेगनेंसी डेज अच्छी बात है, बट सबकी प्रेगनेंसी सेम भी नहीं होती है, राइट। ओके गाइस, तो आप ये ब्लॉग तो आपको पता ही है कि काफ़ी लेट देख रहे हो, तो आज है 13 अप्रैल और मैं किटी पार्टी के लिए रेडी हो गई हूँ। तो मुझे पता है कि आने वाले कुछ दिनों में मेरा साइज बढ़ने वाला है, कुछ कपड़े मुझे बिल्कुल फिट नहीं आएंगे ऑलमोस्ट 1.5 साल तक, उसके बाद फिर मैं बैक टू शेप तो आ ही जाऊँगी, मुझे पता है अपना बॉडी और अपना नेचर, तो मैं आ जाऊँगी। सो ये जंपसूट इसलिए आज मैंने पहना है, मैंने बोला चलो जो ड्रेसेस मैंने पिछले 2 साल पहले खरीद के रखे पर पहने नहीं आज पहन लेती हूँ, या जब भी अभी ओकेशन मिलता है पहन लेती हूँ जब तक टमी भी नहीं निकलता है। तो ये बहुत प्यारा सा जंपसूट है, अभी तो खास ऐसा मेरा टमी निकला नहीं है, स्टार्टिंग के टाइम है, तो मैंने बोला चलो पहन लिया जाए, कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और शायद ये ब्लॉग तो आप पहले ही देख चुके होंगे पर उसी में से एक छोटा सा पार्ट है ये, ठीक है। तो बस कुछ इस तरह से जंप सूट में फ्लॉन्ट कर रही हूँ, वैसे आज तो मैं किसी को बताऊँगी नहीं किट्टी में कि ऐसा कुछ है, अगली किट्टी में मई वाली किट्टी में शायद मैं बता दूँ सबको, आपको भी तब तक पता ही चल जाएगा, तो अब तो नहीं बताऊँगी, इतनी जल्दी बताना अच्छा नहीं लगता है ना। बैक टू होम गाइज, आज इतनी चीज़ें खाई है, मतलब हर बार ना किट्टी का एक रिकॉर्ड टूटते जा रहा है अपने आप में ही, हर बार जिसके भी घर में किट्टी होती है ना वो और बेहतरीन और बेहतरीन और बेहतरीन खाना बनाता है, और आज की किट्टी तो और भी अच्छी हुई, मतलब एवरी टाइम ऐसे होता है, मैं बोलती हूँ या सब लोग बोलते हैं कि आज की किट्टी अच्छी है, फिर अगली बार उससे भी अच्छी होती है, फिर अगली बार उससे भी अच्छी होती है, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है क्योंकि मुझे पंक्चुअलिटी वाला प्राइज़ मिला है। तो खोलते हैं क्या मिला है, मैं वहाँ पर ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हम लोग इतना बड़बड़ करते हैं कंटिन्यूसली,
और खाते रहते और वैसे ही मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है किसी के घर जाने के बाद व्लॉग करना, तो मैं थोड़ा नहीं करती हूँ। बाकी पिक्चर्स आपने देख ही लिए हैं कि हम सब लोग वाइट पहन कर गए थे। और देखते हैं परंटी ने क्या यम खाना बनाया था, और इडली और जो सांभर बनाया था, वाह, उसने तो लास्ट में एकदम, वो बोलते हैं ना, सोने पर सुहागा वाली बात हो गई थी। तो मेरी किट्टी में तो भाई कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, क्योंकि मुझे उससे भी अच्छा खाना खिलाना है। वाह, मक्स मिले, सेट ऑफ 6 मक्स, इसकी कमी थी एक्चुअली। राज थोड़े दिन पहले बोल रहे थे कि मक्स ले लेते चाय के, ये देखो आ गए 6, नाइस, कलर भी अच्छा है, एकदम बढ़िया। चलो काम की चीज़ आ गई, अच्छा लगता है जब गिफ्ट काम का आए ना, तो अच्छा लगता है। ओके गाइस, तो इस ब्लॉग की शुरुआत में मैंने बोला था कि मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूँगी जो भी आई है, तो चलिए वो सबसे पहले करती हूँ। एंड आपको ये भी बताना होगा कि सिंगल बेबी है या ट्विंस बेबी है, ठीक है, ये खुलासा मैं अगले व्लॉग में करूँगी, इस व्लॉग में नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करिएगा नीचे। तो सबसे पहले ये मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ये वाली, और जिसमें मेरा नाम ही गलत लिख दिया यार, ये देखो क्रियन लिख दिया है। सो यहाँ पर मुझे बहुत गुस्सा आ गई थी, कोई मेरा गलत नाम लिख दे, इतना कॉमन और इतना सिंपल नेम है, उसके बाद गलत लिख दे। और ये जो मेरी रिपोर्ट है ये सही आई है, सब कुछ अच्छा आया है। इसके हिसाब से मेरा कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा डे चल रहा है, वो भी आ गया था। हार्ट रेट जो है 158 BPM आई थी, और जो फेटल पोल नोटेड है वो भी डॉक्टर ने बोला सही है, ठीक है। मैं एकदम डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इतना डिटेल में शेयर करते कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आई है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस मेरी ड्यू डेट भी मुझे अभी पता है, पर ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होती रहती है, आई नो इट, ठीक है। तो ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, बस आपको कमेंट करना है कि सिंगल बेबी है या ट्विंस, ठीक है, जिससे मैं आपको अगले व्लॉग में कंफर्म करूं, ठीक है। अब मेरी ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें मेरा सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन है वो 10.3 आया है। तो वो डॉक्टर ने बोला है कि हम तो आयरन अभी नहीं दे सकते, आयरन 3 महीने के बाद ही स्टार्ट होता है, 3 या 4 ऐसे कुछ डॉक्टर बोल रही थी। तो इस समय मुझे उन्होंने आयरन रिच डाइट लेने को बोला है, जैसे स्प्राउट्स हो गए, डेट्स हो गए, तो बोले ऐसे सारी चीज़ें लो। और मेरा इन्होंने ब्लड टेस्ट में मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो भी चेक किया, जो कि मुझे ऑलरेडी पता था, पर पता नहीं क्यों उन्होंने वापस किया। तो मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, और मेरा ग्लूकोज टेस्ट जो हुआ था वो बहुत अच्छा है, 82.6 आया है, और 72-140 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद ब्लड शुगर भी मेरा सही आया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद जो HIV टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी नेगेटिव है, और थायराइड भी मेरा चेक किया तो थायराइड भी मेरा नेगेटिव है। उसके बाद फिर बाकी सारी जो यूरिन एग्जामिनेशन है वो भी एकदम परफेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो मेरा HB टेस्ट था वो भी सही है। तो मेनली मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो कम आया है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैं डाइट में सारी चीज़ें ले रही हूँ, क्योंकि आयरन अभी नहीं स्टार्ट कर सकते। तो ये मेरी रिपोर्ट है, और अभी तक तो सब कुछ सही से ही लग रहा है, और भगवान करे और आप सबकी ब्लेसिंग्स रही ना मेरे साथ, तो सब आगे भी सही सही ही रहेगा। एक्टिव तो मैं हुई हूँ, बस थोड़ी सुस्त आ जाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि होता है यार, सांस वगैरह फूल जाती है और थोड़ा जल्दी से सुस्त आ जाती हूँ। आज नारियल पानी मैं नहीं पी पाई हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं नारियल पानी पी कर जाती ना तो वहाँ पर मैं कुछ खा नहीं पाती, और वहाँ पर भी मैंने 4:30 से 7:30 तक खूब इन्जॉय किया। मैं खुद ही भूल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब वहाँ पर ऐसे मुझे कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही थी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जब मैं घर पर आ रही थी तब मुझे ऐसे लगा कि अरे वाह, मैं इतना देर बैठी रही, वो भी एकदम मस्त, और बहुत हंसे हम लोग, बहुत बात किए और इतना खाया पिया, बट थैंक गॉड एंड टचवुड सब कुछ सही रहा। मुझे वही लग रहा था कि ज़्यादा खा पी लूँगी तो बैठ पाऊँगी कि नहीं बैठ पाऊँगी, पर इतना मस्ती मज़ा हो रही थी कि ना मुझे झपकी आ रही थी, ना मुझे सुस्ती आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी
कि ट्विंस है या सिंगल बेबी है, ठीक है? जल्दी से कमेंट करो। और मेरी नाक ना बहुत सेंसिटिव हो गई है, ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं बहुत ज़्यादा छींकती हूँ, थोड़ी सी भी मेरे नाक में कुछ चीज़ें चली जाती है ना, मैं छींक देती हूँ और बहुत सारी छींकें आती है, 7-8-10 छींकें एक साथ आ जाती है। इसलिए हल्की सी मेरी नाक ना रनी सी बनी रहती है दिन में, मतलब 3-4 बार मैं ऐसे कर ही रही होती हूँ। तो ये मेरे साथ पहले भी हुआ था, अनिका के टाइम पर भी हुआ था, अभी भी हुआ है। चलिए फिर, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo.